नमस्कार मित्रों, अहमदाबाद के साबरमती न्यू रेलवे कॉलोनी विस्तार में आया हुआ ये भोलेनाथ महादेव का मंदिर, जो आप पिपलेश्वर महादेव के रूप से जाना जाता है, जो रेलवे के पटरियों के बीच स्थित है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर की विशेषता और मंदिर के बारे में। से है ये मंदिर तो मेरे को भी मालूम नहीं है। मैं 74 में ट्रांसफर आया श्रीनगर से, और ये बुजुर्ग लोगों ने हमको सेवा करने के लिए दिया है। वो लोग तो सब मर गए, रिटायर हो गए रेलवे में से। ये विशेषता मंदिर की क्या है कि चारों तरफ ये जो रेलवे की पटरी है और इसके बीच में, तो क्या इसका जो पूरा रेलवे ये संचालित है क्या है? ये महाकाली का मंदिर है ना, वो अंग्रेज के टाइम का है। अंग्रेज की गाड़ी नहीं चली थी यहाँ से, और अंग्रेजों ने ये जगह दे दी है। सीढ़ी दी, पहला सीढ़ी वो बस दी, सीढ़ी दीवार बन गई तो सीढ़ी बनाया, फिर दीवार बनाया इधर मंदिर पे, काली मंदिर आने के लिए। तो ये मंदिर उसके साथ में है या उसके बाद में है हमको मालूम नहीं। हम तो 74 में ट्रांसफर हो गए थे, हमको बुजुर्ग लोगों ने सेवा करने के लिए दिया, वो तो सब मर गए, पाँचों पाँच ऊपर चले गए। अभी हम सेवा पूजा करें, हमें रिटायर हो गया, 11 साल हो रहा है मेरे को अभी। ये पूरी दीवार बन गई चारों बाजू, ये दीवार बन गई वहाँ तक, इधर भी दीवार बन गई, पूरा रास्ता मंदिर में आने जाने के लिए रास्ता ही है। अलग रास्ता दिया है रेलवे ने मंदिर पर आने के लिए, और अभी ये पुल भी टूट जाने वाला है। जब ये सीढ़ी बनेगी तो ये पुल टूट जाएगा, बाद में ये सीढ़ी से आने जाने का रहेगा, ये पुल भी टूट जाने वाला है अंग्रेज टाइम का। तो ये पुल मिला के देखा जाए तो ये मंदिर की आस्था बनी हुई है, तो ऐसी कोई आस्था है कि इतनी पब्लिक आती है यहाँ? हाँ, क्योंकि आज इतने साल से मैं देख रहा हूँ 74 से, आज तक मंदिर पे आने वाला कभी ऐसा नहीं सुना कि काल रोटेशन पे कोई कट गया गाड़ी के अंदर दर्शन पाने वाला। इतनी पैसेंजर गाड़ी आती है जाती है, मगर आज तक कोई ऐसा बनाव नहीं बनाया वहाँ पर। ये इसकी विशेषता है, और मन आदमियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है जब।